नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव अरनियावाली के पास से गुजरने वाली एक नहर के अंदर एक डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन इसके जो मौके पर लोग पहुंचे हैं उन्होंने इसको एक हत्या करने के बाद शव को यहां डालने के एक आशंका इन्होंने जताई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, चोपटा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन अब इस मामले के जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि एक्चुअल में ये एक्सीडेंट है या हत्या है। इधर आप देख सकते हैं पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और डेड बॉडी जो पहले नहर में थी उसको ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया और पुलिस मौके पर पहुँची हुई है। ये आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा HR24L4883। ऐसे में अब ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन ग्रामीणों ने सबसे पहले क्या कुछ देखा उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कब पता चला आपको, क्या कुछ था ये? मेरे को लगभग जी 6 बजे के आसपास महेंद्र ने डूडी ने फोन किया। अच्छा, कि पुड़ के ऊपर एक लाश पड़ी है, उसके ऊपर में मोटरसाइकिल है। उस टाइम में तुरंत ही 15-10 आदमी लेके गांव पहुंच गया, ये देखिए पता करिए। फिर थाने में फ़ोन किया, थाने में फ़ोन करने के बाद में पुलिस आ चुकी है। आपने तो अब क्या लग रहा था, एक एक्सीडेंट लग रहा है, हत्या लग रही है, क्या लग रहा है इसमें? नहीं जी, एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि इसका एक पैर है वो घिसीज गए और डैमेज हो रही है, सारा ख़राब हो रहा है। उसके देखने से पता लगता है ये एक हत्या है, साजिश से हत्या की गई है। तो कहाँ का है पता लग पाया अभी तक ये बॉडी कहाँ की? रूपास से है जी, रूपास गाँव से। अभी सरपंच से बात हुई है और उसके कागज़ निकले नहीं, उसे पता लगा कि रूपास गांव से हैं। पुलिस वाले निकाले ठीक। तो हालांकि यहां पर ये आरोप लग रहे हैं कि प्रथम दृष्टया यहां पर अरनियावाली गांव के सरपंच हैं, इनके अलावा और ग्रामीण हैं, उन्होंने देखा है और उसके बाद अभी ये आशंका लग रही है कि हत्या को अंजाम दिया गया है। अब जांच के बाद ये पता लग पाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चोपटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ सूचना मिली थी, क्या कुछ मौके पर देखा है? ये सुबह टेलीफोन गया था करीबन 8:30 बजे के करीब, मैं एक डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ, उसका साथ ही मोटरसाइकिल नहर के अरनियावाड़ी से निर्माण के जो तरफ रोड जाता है उसमें नहर के पुल के नीचे पड़ी हुई है, साथ में मोटरसाइकिल और साथ में डेड बॉडी है। तो हम सूचना पाकर आए थे, ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया था हमारे आने से पहले ही। इसके अंदर ID मिली एक GLL सुनोवीर सिंह के नाम से, वासी रूपावास। इसकी एज है करीब 37-38 साल की उम्र है। मोटरसाइकिल का नंबर है HR24L4883, CD डिलक्स मोटरसाइकिल है। और मोटरसाइकिल का वैसे पहले बार देखने से तो ऐसे ही लगता है भाई मोटरसाइकिल का वाइजर वगैरह टूटा हुआ आगे से, एक्सीडेंट का लगता हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होती है वैसे पता लगेगा। गांव वाले बता रहे हैं, गांव के सरपंच अरनिया वाले की, वो भी कह रहे हैं कि हत्या की आशंका वो जता रहे हैं। क्या कुछ अभी कुछ नहीं है, अभी तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजेंगे, अभी देखते हैं उसके लिए क्या आता है क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हालांकि पुलिस हत्या की बात को नकार रही है, लेकिन वो तो जांच के बाद पता लग पाया। लेकिन यहां बता दें कि जो ID मिली है उसके मुताबिक ये जो शव है ये लगभग 35-36 साल की उम्र इसकी बताई जा रही है। जियालाल नाम है, रूपावास का है, मोटरसाइकिल भी टूटा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि ये एक्सीडेंट ही हो, और हो सकता है जैसे इसके जो पैर को जैसे काफ़ी घिसा हुआ है तो उससे एक हत्या की जो आशंका है वो भी अभी उससे हम नकार नहीं सकते। ग्रामीण भी इसकी आशंका जता रहे हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल